नहीं होने दूंगा तुम्हें। खींचने की कोशिश करो। भाई साहब बबली छोड़ना नहीं। काम हो गया ज्योति जी, देखिए अभी कहाँ। अब हो गया। तुम सबके जाने का वक्त आ गया है। आप लोग सब ठीक है ना? किसी को लगी तो नहीं दादी अम्मा? हाँ पर ठीक है हम। आओ अम्मा उठो। शक्कर अम्मा, अम्मा तो ठीक है? हाँ हाँ ठीक है हम। मारो भाभी जय भोलेनाथ। हमारे परिवार को मारने की कोशिश की है तूने, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा चुड़ैल। मुझे जल्दी जाना होगा, सांप का जहर लेने के लिए मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। भाभी ने सबको बचा लिया। समझ गई। ठीक तो आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे चुड़ैल। कहाँ है तू? आज तो भोलेनाथ भी हमारे साथ है। चुड़ैल, आज तेरा विनाश होकर रहेगा।
दिमाग खराब है क्या तुम्हारा ज्योति? सबकी जान जा सकती थी, वो क्या किया है तुम्हें? मैंने क्या किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अगर आज पारो नहीं होती ना ज्योति, तो सबकी यहाँ लाशें बिछी होती। सही कह रहा है शंकर। ज्योति, तुम्हारी अंगूठी? अंगूठी कहाँ है? वो बहुत टाकी से अंगूठी थी, मैंने उतार दी। क्या? माँ, ये का मतलब? ये का मतलब ये सब किया धरा उस चुड़ैल का है। ज्योति के शरीर में घुसकर वो हम सबको मारना चाहती थी। कहा था ना सबसे वो अंगूठी नहीं उतारे, कहाँ उतारी है तू? यहाँ पे सब लोग मरते मरते बचे हैं। अब सब मुझ पे क्यों चिल्ला रहे? बोल दो ना अपनी पारों को, वो पकड़ लेगी चुड़े। वैसे भी वो सब कुछ कर सकती है ना। पारो कहाँ गई? देखाने में पहुंच जाओ, फिर ये नागिन कुछ नहीं कर पाएगी। मोहिनी जी के कमरे में कैसे खोले हम इसको? किसी को नहीं खोल के नहीं रहे। खुल जा। हे भोलेनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल हमारे हाथ से नहीं निकल सकती। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता।